भारत के पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आज। देश आज अटल बिहारी वाजपेयी को कर रहा है याद। भारत के पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके समाधि स्थल पर पहुंचे। यहां पीएम ने भाजपा की नींव रखने वाले अटल जी को श्रद्धांजलि दी। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर भाजपा के दिग्गजों ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया। जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह ने अटल जी को दी श्रद्धांजलि। भारत के पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कार्यक्रम, अटल जी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दी श्रद्धांजलि। सुशासन दिवस के रूप में अटल जी की जयंती मना रही है भाजपा। लखनऊ में सीएम योगी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और धर्मपाल सिंह सैनी संगोष्ठी में होंगे शामिल। उत्तराखंड में भी अटल जी की जयंती पर प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन। भारत रत्न पूर्व पीएम अटल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे सीएम धामी। आज आकाशवाणी पर प्रसारित होगा साल का आखिरी मन की बात कार्यक्रम। सुबह 11 बजे अटल जी की जयंती पर अपने विचार साझा करेंगे पीएम। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आज अमेठी दौरा। अजय राय के विवादित बयान के बाद अमेठी दौरा काफी अहम। हादसे में शहीद यूपी के जवानों का आज होगा अंतिम संस्कार। राजकीय सम्मान के साथ दी जाएगी अंतिम विदाई। आज लखनऊ में शुरू होगी अकासा एयरलाइंस की हवाई सेवा। बेंगलुरु मुंबई के लिए होगा फ्लाइट का संचालन। श्रावस्ती में कपड़े की दुकान में अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग। देखते देखते लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ राख। मेरठ में सपा विधायक अतुल प्रधान की बेटी की साइकिल चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। भद्रा के थाना शेरगढ़ पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर के दौरान चौथे बदमाश को पुलिस ने गोली मारकर दबोचा। गिरफ्तार किए गए बदमाश से तमंचा, कारतूस और बाइक हुई बरामद। ग्रेटर नोएडा में देखने को मिला रफ्तार का कहर। पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार। कार में फंसे लोगों को पुलिस ने निकाला बाहर। इटावा में कोरोना को लेकर सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव का बड़ा बयान। कहा राहुल गांधी की यात्रा को रोकने के लिए छेड़ा जा रहा कोरोना का रोक। प्रतापगढ़ के तीन मजदूरों की बिहार के मोतिहारी में मौत। ईंट भट्टी की चिमनी में हुआ ब्लास्ट में गई जान। मृतक के परिजनों में मचा कोहराम। मऊ में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ की कार्रवाई। सदर अस्पताल रोड से हटाया गया अतिक्रमण। अवैध दुकानों को रोड के किनारे से हटाया गया। मेरठ में पुलिस ड्रोन के जरिए अपराधियों पर कसी की शिकंजा। गोक्षी अवैध हथियार और शराब तस्करी पर लगाम लगाने की कवायद हुई तेज। प्रयागराज में प्रेमी जोड़े ने ट्रेन के आगे कूद कर दी जान। शादी के लिए परिजन नहीं थे तैयार। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। अमेठी में देखने को मिली पुलिस के सराहनीय पहल। एसपी इलामारा ने जरूरतमंदों को बांटे कंबल। रेलवे स्टेशन पर बांटे कंबल। बरेली के कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की हुई बैठक। सांसद विधायकों ने विकास के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। आपूर्ति करने से भरे ओवरलोड ट्रक ने किए स्टंट। फ्लाईओवर के बीचों बीच फंसा था ट्रक। मेरठ में नगर निगम का राजस्व इंस्पेक्टर रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। एंटी करप्शन टीम ने 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हाथ पकड़ा। कानपुर के गोविंद नगर में वर्दी में सिपाही ने साथियों संग परचून दुकानदार को किया अगवा। दुकानदार के परिवार से मांगी 40,000 की फिरौती। क्रिसमस के मौके पर देश भर में जश्न का माहौल। बरेली में प्रभु यीशु के स्वागत में सजे गिरजाघर। चर्च में प्रार्थना के लिए काफी तादाद में पहुंच रहे हैं। अयोध्या में भी क्रिसमस की लोगों ने की भव्य तैयारी। प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन को मना रहे लोग। चर्च में की गई सुंदर सजावट। आगरा में भी क्रिसमस के मौके पर चर्च में की गई सजावट। दिन भर चर्च में प्रार्थनाओं का चलेगा दौर। संगम नगरी प्रयागराज में भी मनाया जा रहा है क्रिसमस का त्यौहार। चर्च में की गई है भव्य सजावट। कानपुर में भी क्रिसमस का त्यौहार मना रहे हैं लोग। शहर के अलग अलग चर्च में की गई है भव्य सजावट। टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की मौत के मामले में साथी कलाकार श्रीजान खान गिरफ्तार। आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज। जम्मू कश्मीर के उरी में बड़ी आतंकी साजिश में नाकाम। सुरक्षा बलों ने हथलंगा सेक्टर में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद किया बरामद। कोरोना के खतरे से निपटने की तैयारी। मंगलवार को देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल करने का फैसला। देश भर में बढ़ते कोरोना के खतरे पर केंद्र सरकार का राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश। ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी ना हो, वेंटिलेटर रखें दुरुस्त। देहरादून में सीएम धामी ने अलग अलग जगह पर रैन बसेरों का निरीक्षण किया। जरूरतमंदों को सीएम धामी ने बांटे कंबल। उत्तरकाशी में छात्र संघ चुनाव के दौरान आपस में भिड़े एबीपी और ओम ग्रुप के छात्र। एक छात्र नेता को आई गंभीर चोट। रामनगर के कॉर्बेट नेशनल पार्क से गुजरने वाले NH 309 पर बाघ का आतंक। एक युवक पर बाघ ने किया हमला।
रुड़की के खेल डीवी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई के रुतिक कुंजा ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। टिहरी के 11 महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव घोषित, एनएसयूआई की 5 और एबीवीपी की 2 कॉलेजों में हुई जीत। पीलीभीत में बढ़ती ठंड और ठिठुरन के चलते जंगल से बाहर खेतों की ओर रुख करने लगा बाघ, बाघ का खेतों में खुलेआम घूमते वीडियो वायरल। उधम सिंह नगर के किच्चा में अवैध ढाबे पर चला बुलडोजर, स्नैक तस्कर मामले में 20,000 का इनामी था ढाबे का मालिक बलदेव सिंह। रुद्रप्रयाग के कालीमठ घाटी में प्रशासन ने लगाई चौपाल, डीएम ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। रुद्रपुर पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने रिंग रोड पर 4 साहिब जादे चौक का किया शुभारंभ, लोगों को संबोधित करते हुए कहा अमृतसर के लिए जल्द ही ट्रेन का होगा संचालन। कोटवार पुलिस ने ऑनलाइन गिफ्ट देने के जरिए साइबर ठगी करने के मामले का खुलासा किया, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रामनगर में कई जगहों पर इनकम टैक्स ने की छापेमारी, कॉर्बेट नेशनल पार्क के कार्यक्रम में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोगों ने पूछताछ कर फाइलें खंगाली। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।